That looks tasty. Namaste, welcome to my channel. Welcome to Thinking Lash, a channel where we talk and react things related to India. Thank you so much for passing by one more day, you know, mi casa es tu casa, guys. And today, we have the 10 regional dishes from East of India. East India. The other time I did West India, now we're in the East. Yes. I don't know if that was like, North, Sur, Este, or Este. Yes. Este, and we have this one. I don't know which one I'm passing first, because sometimes one go first and other ones, you know, depending on the editing process. But if you're watching this one, then and I haven't posted the West food, then it's because it's coming. I already did it. Now let's go with this one and let's check it out. And don't forget, guys, here to follow me on my social media. Kolkata ka machher jhol, Bihar ka litti chokha, ya Nagaland ka zoo tho. Well, जब से इंटरनेशनल डिशेज ने इंडियन रेस्टोरेंट्स और कैफेज में जगह बना ली है, तब से जैसे इन लोकल ट्रेडिशनल डिशेज के स्वाद को तो हम भूल ही गए हैं। तो पेश करते हैं ईस्टर्न इंडिया के वो डिशेज जो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए। The original dishes from east of India. You have to try. Yes, I'm looking forward for it. On number one, we have the culinary diverse state of Bihar. Bihar. यहाँ की specialty ये है कि लोग अक्सर seasonal खाना पसंद करते हैं और यहाँ की specialty seasonally change होती है. खाना अक्सर यहाँ mustard oil में cook किया जाता है, जिसे एकदम ही distinct स्वाद आता है. लिट्टी यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है, जो वीट फ्लावर डंपलिंग्स होते हैं, सत्तू से स्टफ किए हुए होते हैं और इसे लिट्टी पर पकाया जाता है. I think that would be a little bit dry. इसका स्मोकी फ्लेवर इसकी खासियत है और इसे पॉपुलरली बैंगन से बने चोखा के साथ खाया जाता है. I love eggplant. I really like eggplant. That looks tasty. Khaja. एक और काफी फेमस और टेस्टी स्नैक है खाजा. खाजा ये एक 2000 साल पुराने रेसिपी से बनता आया है और मिडिल ईस्टर्न बकलावा से सिमिलर होता है. ओके. ये क्रिस्पी डेजर्ट का वेफरी टेक्सचर जरूर होता है, लेकिन मेल्ट इन द माउथ. दाल पीठा समझ लो बिहार के मोमोज है. ये राइस फ्लावर से बनते हैं और इसमें दाल का स्टफिंग भरा जाता है अलोंग विद स्पाइसेस एंड पिकल. इसे स्टीम या फ्राई करके खाया जाता है. असमीज खाने की बात ही अलग है. यहाँ का एक्सपेरिमेंटल और लोकल बैम्बू शूट से बने डिशेस काफी फेमस है. इनफैक्ट यहाँ पर काफी फॉरेस्ट कुकिंग भी होता है. खार को पपाया और दाल से बनाया जाता है या फिर एक मेन नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट से. ऑल ऑफ दीज आर देन फिल्टर्ड थ्रू ड्राइड बनाना लीव्स व्हिच गिव इट अ यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेडली रिफ्रेशिंग फ्लेवर. इसे यूजुअली राइस के साथ खाया जाता है. If you want something you've never had, then you've got to do something you've never did. पानी हमुक काफी एक्सपेरिमेंटल और एक्सोटिक डिश है. स्नेल्स को पहले पानी में ढूंढा जाता है और फिर इन्हें फ्रेश कुक किया जाता है एज अ करी और ड्राई. आलू पितिका. आलू पितिका एक सिंपल आलू की डिश है, जिसे दाल या राइस के साथ खाया जाता है. सोल फूड ऑफ आसाम. ये आलू, मस्टर्ड ऑयल, अनियन, कोरिएंडर और मिर्ची से बनता है. We have similar dish here in Mexico. Nagaland. Not many people know about the region, but the local food here is definitely a must try. हिंकेवो को अरबी पत्ता, कैबेज और सरसों के पत्तों के साथ बनाया जाता है और ये ग्रीन करी नागा हाउसहोल्ड्स में ऑलमोस्ट हर रोज पाई जाती है. It can be eaten with rice or even chapati. It's like a soup. We have chicken soup similar. Nagaland में अलग तरह के leaves और vegetables के parts को cook कर कई dishes तो बनती है, लेकिन यहाँ के meat dishes भी काफी tasty होते हैं. Nagaland में सबसे preferred meat pork है और इस dish को अखूनी यानी कि सोयाबीन को ferment करने के बाद एक by product से बनाया जाता है. Interesting. Sudo. जूथो नागालैंड का पॉपुलर लोकल बियर. इसे राइस को फर्मेंट करके बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इडली के बैटर को बनाया जाता है. ये वाइटिश फ्रॉथी बियर अंगामी नागा के बीच काफी पॉपुलर है. I don't know if I want to try that one. कोलकाता. फिश
Fish being an integral part of Bengali cooking, this dish includes fish, but also potatoes and tomatoes. Macher jhol ko rice ke saath khaya jata hai aur ye seafood lovers ke liye ek must try hai. कोशा मांसो मटन करी बंगाल में ओरिजिनेट होकर अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। ये मटन करी को टमाटर और अनियन की ग्रेवी और फ्रेश जूसी मटन के साथ पकाया जाता है एंड इट मेक्स फॉर एन एक्सीलेंट अकॉम्पनीमेंट टू राइस और इवन चपाती। That looks tasty. Kolkata mein mithaiyon ki list ki to kami nahin hai. But besides the popular ones we know of, there's also lobongo latika. इस डिश को मैदा और खोया से बनाया जाता है एंड इट्स फोल्डेड लाइक अ नीट पेस्ट्री लॉक्ड इन विद लवंग एंड हेंस द नेम। ओह टेस्टी। ओडिशा। समर्स के टाइम पर पखाला भाता हर उड़िया होम का एक कॉमन लंच होता है। ये राइस को पानी और दही में सोक करके बनाया जाता है। ओवरनाइट सोक करने के बाद इसे आलू, फ्राइड फिश और पापड़ के साथ सर्व किया जाता है। Also officially, 20th March is celebrated as Pakhala Day by Odia people to celebrate the beginning of summer. Chena Poda. Okay, that looks tasty. Chena Poda, Odisha ka sabse popular sweet dish hai aur ise puri temple mein bhi chadhaya jata hai. The taste of burnt homemade cottage cheese and semolina combined with sugar syrup is simply wow. I don't like dish Odisha ke har kone mein milta hai. That looks like a nice recipe. अगली बार जब ईस्ट इंडियन स्टेट्स को टूर करो तो इन डिशेस को जरूर ट्राई आउट करना। Until then, stay safe, head out responsibly. That was looking tasty. I think so. The one that called more my attention to be cooking will be trying the snails. Like I like snails. You know, I have tried in Spain once with chocolate and wine sauce. They were super super tasty. As well, I tried them in Morocco and they were as well super tasty. So I think so they are the ones that I will be happy to try the Indian twist on it. And I don't know, guys, would you try that ones? I'm curious to know about that. The other dishes, the pastry ones, they look super super tasty. Like, I don't know, a lot of them, they really look good. The only one that I'm kind of the beer, the rice beer, I don't know if I will be able to try that one. I'm not too fan of that one. And the dishes with mutton. I think so mutton is a very strong meat flavor. So I'm not too fan of mutton, but I will try it definitely. And then I will decide if I like it or not. But it's not definitely one I would say, oh yes, I'm dying to try the mutton. But the rest of the dishes, they look super, super good. And something I have noticed a lot that in India, in many videos that I see of cooking, is that the people cook in the floor. Like they are sitting on the floor and the cookers are really on the floor level. And that's really amazing and different from my culture, you know. That's really, really interesting to see. And I will be enjoying to see that and maybe learn how to do it. I don't think I can be like in a squatting. I don't think I can properly squat like Asian people can do it in general. I think so that's a talent that you develop since you were a kid. But definitely, I want to learn it. Anyway, guys, thank you so much for watching. Hopefully you enjoyed this video as much as I did. And see you tomorrow with another video. Have an amazing day. Bye.